गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, लेसन 12, सेव द चिल्ड्रन। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रिमेनिंग चैप्टर। आई डोंट नो वेयर दे आर, आई डोंट रिमेंबर देम, रिप्लाइड शंटू। मैं नहीं जानता वो कहाँ है, मुझे याद नहीं है उनके बारे में, शंटू ने उत्तर दिया। व्हाट डू यू मीन डोंट रिमेंबर योर पेरेंट्स, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम अपने माता पिता को नहीं जानते, जैन ने कहा। माय फादर लेफ्ट मी ऑन अ ट्रेन व्हाइल आई वाज स्लीपिंग मैनी इयर्स बैक, केम द रिप्लाई। मेरे पिता ने मुझे ट्रेन में छोड़ दिया था जब मैं सो रहा था कई साल पहले, उसने उत्तर दिया। शॉक जय आस्ट, हाउ कुड योर फादर लीव यू बिहाइंड, हैरान होकर जय ने पूछा कि आपके पिता आपको कैसे छोड़ सकते हैं। सी आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज, आई डोंट इवन रिमेंबर द नेम ऑफ इट, आई हैड 3 brothers and 2 sisters, we were very poor and did not have enough to eat. One day my father told me that we were going to the big city to find a job to bring back some money. I was very excited because that was my first train ride. When we left, my mother hugged me and was crying very hard. Then my father and I sat on a train. When I woke up in the morning, I was all alone. I could not find my father. हैरान होकर जय ने पूछा, आपके पिता आपको कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए, मैं एक बहुत छोटे गांव से आता हूँ। मुझे इसका नाम भी याद नहीं है। मेरे 3 भाई और 2 बहनें थीं। हम बहुत गरीब थे, हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं था। एक दिन मेरे पिता ने मुझे कहा कि हम बड़े शहर में जा रहे थे, हम जा रहे हैं ले नौकरी की तलाश में ताकि हम कुछ और पैसे मिल सके। मैं काफ़ी खुश था क्योंकि यह मेरी ट्रेन की पहली यात्रा थी। जब हमने माँ ने मुझे गले लगाया और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर मैं और मेरे पिता ट्रेन में बैठ गए। फिर मैं सुबह जब ट्रेन में जागा, उठा, सोकर उठा तो मैं अकेला था। I was all alone. I could not find my father. उस समय मेरे पिता वहाँ पर नहीं थे, मेरे साथ नहीं थे। Jay was taken back, aback. What? How could your father leave you like that? What did you do? Jay ने बोला, क्या आपके पिता कैसे छोड़ सकते हैं? फिर तुमने क्या किया? I got off the train and start looking for my father at the station. Night came and I still could not find him. Then I started crying and sat in a corner to hide from the station master. I was hungry and lost. Next day I met another small boy who was selling paper soap on the railway platform, said Shantu. I got off the train. मैं ट्रेन से उतर गया और स्टेशन पर अपने पिता की तलाश करने लगा। शाम हो गई थी, मैं अपने पिता को नहीं ढूंढ सका। तब मैं रोने लगा और स्टेशन मास्टर से छिपने के लिए कॉर्नर में बैठ गया। मैं भूखा था और गुम भी हो गया था। अगले दिन मैं एक दूसरे छोटे लड़के से मिला जो कि पेपर सोप बेच रहा था रेलवे प्लेटफॉर्म पर, शंटू ने कहा। विद द लिटल साइज शंटू कंटिन्यूड, हिज नेम वाज ध्रुव। He found me and took me to a place where there were many children like me. Some of them had got lost, some ran away from their families and some were left behind by their families. फिर आगे थोड़ी आहां भरते शंटू के साथ चलती रही। उसका नाम ध्रुव था। थोड़ी आगे ही उसने जब देखा दूसरा लड़का एक और था, जब वो सांस ले रहा था, मतलब परेशान हो रहा था, फिर उसने देखा एक और लड़का था वहाँ पर जिसका नाम ध्रुव था। ही फाउंड मी एंड टुक मी टू अ प्लेस
वह मुझे मिला और मुझे ऐसी जगह ले गया जहाँ पर मेरे जैसे कई और बच्चे थे। उनमें से कुछ तो अपने परिवारों से दूर भाग गए थे और कुछ को उनके परिवारों द्वारा छोड़ दिया गया था। Why would a family do that to their own child? asked Jay. एक परिवार अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों करेगा? जय ने कहा। There are many reasons. Many of us come from villages. Some of us were sold by our own parents who did not have the money to look after a big family. Some parents are tricked into, replied Shantu. इसमें से कई कारण हो सकते हैं। काफ़ी तो गांव से आए होंगे, कुछ को उनके माता पिता ने बेच दिया होगा, जिनके पास क्या था, एक बड़े परिवार की देखभाल के लिए पैसे नहीं थे। कुछ अभिभावकों ने इसे फंसाया भी जाता है, इसमें फंसा देते हैं उनको, शंटू ने कहा। बट नाउ कैन द पेरेंट्स बी ट्रिक्ड, लेकिन माता पिता कैसे फंस सकते हैं? किसने बोला? जय ने बोला। I have 8 friends to whom this has happened. Their father or an aunt was contacted by someone they knew. This person promised their family a better life for the children. They promised to send the children to school or give them house to live in. My friends were then taken away by that person. He later forced them to work in factories. 3 of them were simply sold to other employers. I have 2 other friends whose fathers just left them behind on the train, explained Shantu. मेरे 8 दोस्त हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। उनके माता पिता या चाची को किसी व्यक्ति के से संपर्क किया गया था, वो उससे बातें की जिसे वे जानते थे। इस व्यक्ति ने उनके माता पिता परिवार को बच्चों के लिए बेहतर जीवन का वादा किया, उन्हें वादा किया और कि वो बच्चों को स्कूल भी भेजेंगे और उन्हें रहने के लिए भी घर भी देंगे। मेरे दोस्तों को तब उस व्यक्ति ने छीन लिया, मतलब उसे वहाँ पर बुला लिया। बाद में उन्हें कारखानों में काम करवाने के लिए मजबूर किया गया और 3 को दूसरे 3 ऑफ देम वेयर सिंपली सोल्ड टू अदर एम्प्लॉयर्स, और 3 को दूसरे नियोक्ताओं के द्वारा, मतलब किसी और एम्प्लॉयर्स के हाथ में बेच दिया गया। मेरे 2 और दोस्त भी हैं जिनके पिता ने उन्हें ट्रेन के पीछे ट्रेन में ही छोड़ दिया, शंटू ने कहा। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रीड करेंगे, बाकी नेक्स्ट जो है चैप्टर हम कल रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।